हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक में एज ऑफिसर स्केल वन या ऑफिसर स्केल टू या एज ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे हैं, जो सैलरी स्लिप है या जो यहाँ पे अलाउंसेज मिलते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क दोनों के लिए अलग से वीडियोज बना दी है। तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ डिस्कस करेंगे सैलरी के अलावा यहाँ क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप रीजनल रूरल बैंक में ज्वाइन करते हो। दोस्तों, आरआरबी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होती है वो हमेशा एक पार्टिकुलर स्टेट में ही होती है। जैसे फॉर्म फिल करते समय आपको पता होगा कि जब आप फॉर्म फिल करते हो उस समय यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी वो स्टेट वाइज होती है। तो जिस पार्टिकुलर स्टेट के लिए आप अप्लाई करते हो, जैसे कि अगर सपोज कि अगर आप यूपी के हो एंड आप यूपी स्टेट के लिए ही अप्लाई करते हो तो आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो यूपी स्टेट में ही होगी एंड आपके जो जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं आपकी स्टेट में ही होगी, मतलब कभी आप स्टेट से बाहर नहीं जाओगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। नॉर्मली जो बैंकिंग जॉब में, मतलब खासकर सरकारी नौकरी जो होती है, सरकारी बैंक, उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ट्रांसफर्स की, कि हर 3 साल 4 साल में आपका ट्रांसफर हो जाता है। अब किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर बात करें तो हो सकता है कि एक पर्सन जो कि यूपी या बिहार का हो और उसकी फर्स्ट पोस्टिंग हो सकता है केरला के किसी गांव में हो जाए, उसके बाद 3 साल 4 साल वहां पे स्पेंड करने के बाद फिर उसकी पोस्टिंग हो सकता है नॉर्थ ईस्ट हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि 2 बार 3 बार या 4 बार जब उसकी ट्रांसफर चेंज हो तब जाके उसे अपना होम स्टेट मिले, और उसमें भी कोई कंफर्म नहीं है कि उसी उसका जो होम टाउन रहेगा वहीं उसकी पोस्टिंग होगी। लेकिन अगर रीजनल रूरल बैंक्स में देखें तो यहाँ पे उस पार्टिकुलर स्टेट में ही आप रहोगे, अपने होम स्टेट में ही रहोगे। तो यहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और अगर आप किसी टाउन से बिलोंग करते हो या विलेज से बिलोंग करते हो और उस वहाँ पे अगर कोई आरआरबी की ब्रांच, मतलब जिस भी ग्रामीण बैंक में आप हो उसकी अगर ब्रांच है तो वहाँ पे आपकी इजिली ट्रांसफर हो सकती है और वहाँ पे आप अच्छे खासा टाइम स्पेंड करोगे, मतलब 3 to 4 years आप स्टे कर सकते हो, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपको रहने का मौका मिले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप हमेशा अपने घर के नज़दीक रहोगे, और अगर आपकी ट्रांसफर होती भी है तो स्टेट के अंदर ही होगी, तो अगर आप तो देखा जाए तो आप अपने घर से मैक्सिमम 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की दूरी पर ही रहोगे। और जो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है उसमें आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। अगर आप आपके पास कार है या बाइक है तो आप इजिली जा सकते हो अपने घर, और जो फेस्टिवल्स है उसमें भी आप इजिली जा सकते हो, उसमें आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा घर जाने के लिए। दोस्तों, आरआरबी में जो वर्क प्रेशर होता है, वर्क लोड होता है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपेयर करें या SBI से कंपेयर करें, तो यहाँ जो वर्क लोड होता है ये कम होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम होता है, लेकिन हाँ उनसे कम होता है, और इसी कारण यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि और दूसरे दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, RBI की या NABARD की या SEBI की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो नॉर्मली जो बैंक्स क्लोज होते हैं वो 6 बजे तक बंद हो जाते हैं जो RRBs होते हैं, तो इसलिए 6 बजे के बाद आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए। मॉर्निंग में भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है पढ़ाई के लिए, तो और चूंकि यहाँ पे वर्क प्रेशर कम होता है तो माइंड में स्ट्रेस कम होता है, तो पढ़ाई में आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ प्राइवेटाइजेशन का डर आपको कभी नहीं सताएगा। और जो यहाँ अगर सैलरी की बात करें तो बाकी बैंक से अगर कंपेयर करें तो सैलरी लगभग बराबर ही होती है। जो मेनली आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो रूरल एरियाज में पोस्टिंग रहेगी, तो रूरल एरिया में आपको पता है कि वहाँ एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए आपकी सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों, विलेजेस की जो सबसे बढ़िया बात होती है वो होती है कि यहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है कम्प्लीटली नेचुरल होती है एंड यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसलिए आपकी जो हेल्थ रहेगी ये काफ़ी बेटर रहेगी, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यहाँ पे आपकी जो, मतलब जो लोकल पीपल हैं, जो विलेजर्स हैं, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी ग्रामीण बैंक ज्वाइन करने के कुछ फायदे, एंड इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।